दोस्तों गवर्नमेंट सरकार द्वारा एक नई योजना को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा, सब कुछ इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो अगर अपना या किसी का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ब्राउजर ओपन करिएगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MyGOV, ठीक है। आपको यहाँ MyGOV लिख के सर्च कर देना। जैसे आप इतना लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पहला जो लिंक देखने को मिलता है MyGOV.in, आपको इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इसी वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा, जो कि यहाँ पर देखते हैं माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट का पोर्टल है इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कॉर्नर में आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो। आपको और नहीं मोबाइल में चला रहे हैं, अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। आपको पहले 3 लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रो साइट्स का एक ऑप्शन, ठीक है। आपको माइक्रो साइट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप माइक्रो साइट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है क्विज का, ठीक है। आपको क्विज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्विज वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको दूसरा नंबर यहाँ पर देखना है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है डिजास्टर IQ टेस्ट, ठीक है। और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा, जिसमें आपको 700 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे कैश प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो प्राइस है, अगर आप इसमें विनर होते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर विनर होते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलता है। आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो पहला पुरस्कार रखा गया था यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। जो दूसरा पुरस्कार है वो 3,000 रुपये का और तीसरा पुरस्कार मतलब आपको 2,000 रुपये मिलने वाला है। तो मतलब आप इसमें से कुछ भी जीत सकते हैं। हो सकता है आपको 5,000 रुपये मिल जाए या फिर 3,000 रुपये मिल जाए या फिर आपको 2,000 रुपये मिल जाए। अब रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको ऊपर आना है। ऊपर आपको देखो लॉग इन टू प्ले क्विज का ऑप्शन, लॉग इन टू प्ले क्विज वाला ऑप्शन में क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ आपको अपना अगर इस पोर्टल पहले से आप रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर टाइप करेगा, लॉग इन OTP के माध्यम से भी लॉग इन हो सकते हैं और अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ आप लॉग इन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नए यूजर है, अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ अपना फुल नेम टाइप करेगा, ईमेल आईडी को टाइप करेगा, मोबाइल नंबर टाइप करेगा, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेगा, जेंडर को सिलेक्ट करेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना जैसे ही करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ आपको डेबिट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को टाइप कर दीजिएगा, लॉगिन विद OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कर दीजिएगा तो यहाँ देखिए आपके मोबाइल नंबर पर OTP को सेंड किया जाएगा, OTP को फिलअप करना और यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए OTP आ चुका है तो OTP यहाँ पर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं इस तरीके का, और यहाँ आपको OTP टाइप करने के बाद बस आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप लॉगिन हो जाइएगा। अब जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन होने के बाद देखिएगा फिर से आपको वही पेज देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका क्विज जो है स्टार्ट हो जाएगा, अब मतलब आपको रेडी हो जाना है। यहाँ पर देखने को मिलता है स्टार्ट क्विज, 20 सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि 600 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा। तो बस आपको स्टार्ट क्विज वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टार्ट क्विज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपका सेकंड जो है वो चालू हो जाएगा, मतलब आपको 10 मिनट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन देखने टाइमिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, टिक करना। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर सही होगा उस पर आपको टिक करना और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको बस दूसरे को सिलेक्ट करना और नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो अब इस तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आंसर को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा आप यहाँ पे देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। चौथा क्वेश्चन को आपको आंसर को सेलेक्ट करिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको पांचवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ आप देख लीजिएगा,
आंसर को सेलेक्ट करिएगा, बस आपको बस हर क्वेश्चन को आंसर को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपको स्किप नहीं करना, बैक नहीं करना, ठीक है। ठीक है, आपको छठवां क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छठवां क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करना और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखिएगा आठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप देखिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते जाइएगा। आपके सामने यहाँ कुछ आठवां क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे रीड करना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, रीड करने के बाद यहाँ पे नेट देखने को मिलता है, चार आंसर देखने को मिलता है, उसमें से एक ही आंसर सही होगा तो एक आंसर को सिलेक्ट करिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 20 क्वेश्चन जब का देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ आपको आंसर को जब सेलेक्ट करेगा नीचे आपको देखने को मिलता है फिनिश क्विज, आपको फिनिश क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिनिश क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो यहाँ आपको देखने मिलता है क्लिक हियर का ऑप्शन, आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, आपको बस क्लिक हियर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक हियर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने मिलता है आपका जो स्कोर है आपको देखने को मिल जाएगा 55% आपका स्कोर है, ठीक है। अगर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एरो का निशान दिया हुआ, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर देखने मिलता है ऐड बैंक अकाउंट डिटेल, तो आपका ऐड बैंक अकाउंट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पहले तो आपको अपना बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं योर अकाउंट डिटेल हैज बीन सबमिट, तो आपको पहले अपने बैंक अकाउंट को डिटेल को जो भी रहेगा डिटेल आपको सबमिट कर लेना। सबमिट करने के बाद आपको व्यू पास्ट ऑप्शन पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। आपको विनर अगर चेक करना तो आपको कैसे करना पड़ेगा, यहाँ आपको थ्री लाइन देखने को मिलता है, आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको देखने मिलता है विनर अनाउंसमेंट का ऑप्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाला ऑप्शन आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने बहुत सारा क्विज खुल जाए, ओपन हो जाएगा। अब आप जिस क्विज में भाग लिए हुए हैं बस आपको उस क्विज को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आप तुरंत खेलें तो तुरंत क्विज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका एक टाइमिंग रहता है कम से कम एक महीने का। तो आप देख सकते हैं जब ओपन किए होंगे तो वहीं आपको टाइमिंग भी देखने को मिल रहा है कि कितने अगस्त से लेके कितने टाइमिंग से लेके कितने टाइमिंग तक खेला जा रहा है, तो आपको उतना दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपको वहाँ पे अपना क्विज देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जैसे आपका क्विज जो है वो खत्म होगा वैसे क्विज आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ तक क्विज को देखिएगा और वहाँ तक अपना लिस्ट में आपका नाम आपको चेक कर लेना है। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपके इसमें आप विनर होते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो क्विज खेला जाएगा यहाँ आपको सबको देखने को मिल जाएगा। अपना अनाउंसमेंट चेक करना चाहते हैं बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्विज रहेगा बस आपको क्विज वाला ऑप्शन पे कोई क्लिक कर देना है, वहाँ आपका डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर आप विनर हुए रहेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।